हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सब? अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि गाड़ी लेने का डिसाइड कर रहे हैं नियर बाय फ्यूचर में, मतलब आने वाले कुछ महीनों में, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो में, वो आपका बाइंग डिसीजन बिल्कुल चेंज कर सकती है और आपको बिल्कुल कम्प्लीटली आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है ना, उसको बिल्कुल चेंज कर देगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो आप गाड़ी लेते हुए डिसाइड करते हैं कि भाई आपको जो है गाड़ी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सी सूटेबल पड़ती है। करंटली जो इंडियन मार्केट में जो कार्स अवेलेबल हैं वो हैं आपकी पेट्रोल, डीजल और आपकी इलेक्ट्रिक। हाइब्रिड भी आती है, पर हाइब्रिड अभी इतने ज़्यादा चलन में नहीं है क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग उसे प्रेफर नहीं करते हैं। तो मैं उसी बारे में आपसे बात करूंगा। देखिए, आजकल हो क्या रहा है ना कि जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे स्विच कर रही है ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक एनर्जी। कई सारी कंपनी अपनी प्रोडक्ट जो है वो स्विच कर रही हैं धीरे धीरे, जिनमें कि टाटा मोटर्स काफ़ी लीड में है। इन्होंने काफ़ी पहले से अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस करे थे इंडियन मार्केट में, और आज की डेट में जो इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। रिलायबिलिटी में कोई इश्यू नहीं है, चार्जिंग स्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा सेट होने लगे हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आज की है ये रिलेटेड है आपका, जो गाड़ी आप ले रहे हैं वो आपको अगर आपको बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी दे, अगर वो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव करे, आपको बहुत अच्छा सा ड्राइविंग प्लेजर दे, तो उन गाड़ियों के बारे में हम बात करेंगे। ये गाड़ियाँ नियर बाय फ्यूचर में लॉन्च होने वाली हैं, और अगर आप इन गाड़ियों को कंसिडर करते हैं तो ये आपको पेट्रोल जो काउंटर पार्ट्स हैं इनके या फिर जो डीजल हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू प्रोपोर्शन आपको ऑफर करती है और आपको बहुत अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली गाड़ी जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है टाटा की जो आने वाली ईवी है, इसके बारे में। अब देखिए, टाटा कर्व जो नाम है ना, बहुत ज़्यादा हाइप्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा इस प्रोडक्ट का वेट किया जा रहा है। या वो क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये अभी जो है अपना नया सेगमेंट क्रिएट करेगा जो कि होता है CSUV सेगमेंट। अब देखिए, जो सेगमेंट्स होते हैं ना इंडिया में काफ़ी सारे हैं, ए सेगमेंट हो गया, बी सेगमेंट हो गया, सी सेगमेंट हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट आपके प्लेस्ड हैं। अब जो सी सेगमेंट आता है ना, इसके अंदर आपकी जो आती है कॉम्पैक्ट सेडान्स आती हैं, कॉम्पैक्ट एसयूवी से ऊपर वाली एसयूवी जो होती हैं आपकी, जैसे आपकी ये क्रेटा हो गई है, आपकी कुशाक हो गई है, ये सारी गाड़ियाँ इनमें आती हैं। तो इस सेगमेंट को रेवोल्यूशनाइज करेगी ये टाटा कर्व का जो प्रोडक्ट है। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कम्प्लीटली डिफरेंट होगा बाकी प्रोडक्ट से, क्योंकि इसमें जो फिलॉसफी यूज़ की गई है ना, डिज़ाइन फिलॉसफी, ये कूपे स्टाइल की गई है। अब कूपे स्टाइल इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, इससे पहले सिर्फ एक प्रोडक्ट कूपे स्टाइल में आता था जो कि है आपका टिगोर, आपका जो है सेडान सेगमेंट में आता था, कॉम्पैक्ट सेडान में। पर इसका जो रियर एंड जो होता था ना, वो कूपे डिज़ाइन में था, आपको फ्लोटिंग सा फील होता था, रूफ कहाँ एंड हो रहा है ये आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। बात करें इसमें जो मोटर यूज़ की जाएगी ना, वो करी जाएगी सेकेंड जेन मोटर। ये मोटर अभी तक किसी भी उसमें यूज़ नहीं की गई है टाटा के प्रोडक्ट में, और ये फर्स्ट टाइम कर्व में लॉन्च की जाएगी, जिससे कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। अब बात करें इसके इंजन की ना, तो ये इसका इंजन और ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर आप नेक्सॉन से कंपेयर कर लीजिए और दूसरी गाड़ियों से कंपेयर कर लीजिए इस सेगमेंट की, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल इसका इंजन होगा। अब देखिए, बात कर लें इसके जो वर्जन्स की जो भी लॉन्च किए जाएंगे, तो सबसे पहले इसमें लॉन्च किया जाएगा आपका इलेक्ट्रिक वर्जन, उसके बाद जो है जिनको डीजल लेने की इच्छा है तो डीजल वर्जन उसके बाद लॉन्च किया जाएगा, और सबसे आखिरी में जो है पेट्रोल वर्जन इसका लॉन्च किया जाएगा। अब तीनों ही जो वर्जन्स हैं ना, वो अपने आप में डिस्टिंग्विश होंगे, बहुत ही बारीक सी डिटेल होगी जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करेगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर हाँ, ये जो आपका जो आ रही है टाटा कर्व, ये ICE इंजन पे बेस्ड है, मतलब जो इसका डिज़ाइन फिलॉसफी है वो ICE इंजन पे बेस्ड है। तो इसका वेट करेंगे आप तो आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फीचर मिल जाएंगे, जैसे पैनारोमिक सनरूफ मिल जाएगी, आपको पावर टेलगेट मिल जाएगा, ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, काफ़ी सारे सेगमेंट फर्स्ट आपको फीचर इस प्रोडक्ट में आपको मिलेंगे। तो इसके लिए अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो वेट वर्थ है। ये मिड 2024 में लॉन्च होने वाली है, उसके बाद जो है आपको इसकी बुकिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है। सेकेंड प्रोडक्ट की हम बात करें तो वो है आपका हैरियर ईवी। अब हैरियर देखिए, बहुत ही मिक्स रिएक्शन वाला प्रोडक्ट रहा है, कभी इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा अप जाती है, कभी इसकी डाउन जाती है। बट नो डाउट, जब से इस प्रोडक्ट को एक माइनर फेसलिफ्ट मिला है, माइनर तो नहीं आप मेजर बोल सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, इसमें जो भी ग्लिच थे सब सारे दूर कर दिए गए हैं। तो जो आने वाला प्रोडक्ट ईवी है ना, वो इसी पे बेस्ड रहेगा। इसको भाई 2023 के जो ऑटो एक्सपो शो है ना, उसमें शोकेस किया गया था, उसके बाद इसका जो अब लॉन्च है वो तुरंत इस साल के एंड में होने वाला है। अब देखिए, बात करें कैपेबिलिटी की, तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव दिया जाएगा, जो कि अभी जो ICE इंजन वाला जो हैरियर है उसमें मिसिंग है। तो
उससे इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि ऑल व्हील ड्राइव के साथ ना गाड़ी का टॉर्क बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाता है। तो वो सारे फीचर इसमें आपको मिले। और बात करें और भी ज़्यादा फीचर्स की, तो 360 डिग्री कैमरा, ADAS, ये सारे फीचर तो जो नॉर्मल हैरियर में आते हैं वो सारे आपको इस गाड़ी में मिलेंगे। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं तो वो वर्थ है, क्योंकि ये रेंज भी आपको काफ़ी अच्छी देने वाली है। अब बात करें अगली गाड़ी की, जो कि आपकी है बिल्कुल अलग प्रोडक्ट, बिल्कुल अलग कंपनी से, जो कि है आपका Hyundai से। अब देखिए Hyundai की जो क्रेटा है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाली गाड़ी है। और जब से ये लॉन्च हुई है ना, ये कभी भी अपना इसने सेल्स के मामले में डिसअपॉइंट नहीं करा है। बात करें रीसेल की, बात करें कि वेरियंट्स की, सब में ये गाड़ी नंबर वन रही है। बहुत सारे ऑप्शन आपको देती है और रीसेल में भी आपको कभी निराश नहीं करती है। तो बात करें अगली गाड़ी की, जो गई Hyundai की क्रेटा ईवी। अब देखिए Hyundai क्रेटा ईवी जो है वो, अगर आप पावर की बात करें तो बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें 40 किलोवाट बैटरी जो है आपको वो मिलने वाली है, जो कि आपको 135 BHP लगभग जो पेट्रोल इंजन के काउंटर पार्ट है उतनी आपको पावर देगी। देखिए पावर उतना इंटरेस्टिंग तो नहीं है, पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो पावर है, टॉर्क है, वो आपको बिल्कुल ज़ीरो से ही मिलने लग जाता है। तो उस मामले में तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी और ये अपने काउंटर पार्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। अब बात करें देखिए डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की, जो अगर आप पेट्रोल गाड़ी लेते हैं इलेक्ट्रिक, तो उसमें ये गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली है, क्योंकि ये जो करंट जो क्रेटा है उसके ऊपर ही बेस्ड होने वाली है। हाँ, थोड़ा बहुत इंटीरियर और एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए जाएंगे, जैसे कि नॉर्मल हर गाड़ी अपना करती है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टैंड अलोन गाड़ी तो नहीं कहलाएगी, बट हाँ ये आपको एक ऑप्शन ज़रूर दे देगी कि आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी भाई इस ईयर के एंड में आप लॉन्च हो जाएगी, तो उसके बाद आप इसकी बुकिंग ले सकते हैं अगर आप सेलेक्ट करना चाहें तो। तो चलिए अगली गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आपकी महिंद्रा XUV.E8। अब देखिए .E8 से आप समझ पा रहे हैं कि ये गाड़ी थोड़ा सा बड़ी होने वाली है, और ये जो जिस सेगमेंट में आ रही है वो है आपका XUV700 का। भाई ये उसी का जो है इलेक्ट्रिक वर्जन लॉन्च किया जाएगा। अब देखिए XUV700 जब गाड़ी आई थी ना, तो उसके बाद इसने कई सारे सेगमेंट जो हैं उनको बिल्कुल से तहस नहस कर दिया था। ऐसे फीचर्स ने दिए थे जो इंडस्ट्री फर्स्ट थे, उसके बाद से इसमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा ही आउटडेटेड अब लगने लग गई है। ठीक है, अब बात करें इसके फीचर की, तो भाई देखिए XUV700 में जैसे सेगमेंट फर्स्ट फीचर आते थे, वो सारे फीचर तो आपको इसमें मिलेंगे। बहुत सारे इसमें आपको यूनिक से फीचर मिलेंगे, जैसे इसमें आपको ड्यूल मोटर सेटअप दिया जाएगा, फ्रंट में अलग, रियर में अलग। अब ड्यूल मोटर से होता क्या है, देखिए कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में सिंगल मोटर दी जाती है। अब ड्यूल मोटर से एडवांटेज ये आता है ना कि आपकी जो टॉर्क, जो आपका एक्सेलरेशन है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, रेंज आपको ज़्यादा मिल जाती है, और ऐसे कई सारे फीचर, एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हो जाती है जो आपका ड्यूल मोटर सेटअप में आता है, तो वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। फ्रंट में जो आपको मिलेगी 80 वॉट की पावर मिलेगी, और जो रियर में है ना वो बिल्कुल जस्ट इसका डबल मिलेगी, 170 किलोवाट की पावर। और बात करें इसमें इंस्ट्रूमेंट कंसोल की, तो 12.3 इंच का पूरा आपको एक डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि इसका इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कर देगा। उसके साथ आपको HUD, इंटरनल IRVM, ये सारे फीचर आपको मिलेंगे जो आपको पहले इस सेगमेंट में आपको गाड़ियों में नहीं मिलते थे। अब देखिए ये गाड़ी भी इस ईयर के एंड तक लॉन्च कर दी जाएगी, तो इसका भी आप अगर आप वेट करना चाहते हैं, अगर आप महिंद्रा लवर हैं, तो आप इस गाड़ी का डेफिनेटली वेट कर सकते हैं। अब बात करता हूँ मैं लास्ट गाड़ी की, जो है वो भी डिफरेंट एक कंपनी से है, जो कि आपकी मारुति की। जी हाँ, आपने सही सुना, मारुति भी अब इस रेस में कूदने वाला है, वो अपनी लॉन्च करने वाला है मारुति EVX। अब देखिए मारुति EVX कोई छोटी गाड़ी नहीं होने वाली है, ये भी आपका मिड सेगमेंट में लॉन्च की जाएगी। अब बात करें इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की ना, तो ये सिंगल और ड्यूल मोटर में आने वाली है, ऐसा रूमर है। मतलब अब ये चीज़ कंफर्म नहीं है, पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कंपनी से लोअर वेरिएंट्स में अपना सिंगल मोटर के साथ और हायर रेंज वाले वेरिएंट के साथ, हायर पावर वाले वेरिएंट के साथ, ड्यूल मोटर के साथ भी अवेलेबल कराएगी। अब देखिए बात करते हैं पावर की, तो पावर जो इसका बैटरी पैक है ना, ये इसको पावर जो देगा वो देगा थोड़ी सी जो आपकी ग्रैंड विटार आती है ना उसके लगभग, जो आपका पेट्रोल या इंजन आता है उसके लगभग आपको पावर प्रोड्यूस करके देगा। पर इलेक्ट्रिक वर्जन में जैसा मैंने कहा है पहले भी कि वो ज़्यादा पावर लगती है आपको, क्योंकि वो ज़ीरो से ही आपको डिलीवर होना स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए बात करें फीचर्स की, तो मारुति कभी भी फीचर्स के लिए जाना नहीं जाता है, ये बहुत कॉस्ट कटिंग करते हैं, पर इस गाड़ी में आपको बाकी मारुति के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि आप ADAS मिलना शुरू होगा, पैनारोमिक सनरूफ आपको दिया जाएगा, वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलेंगी, ऐसे ही काफ़ी सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हैं किसी अच्छी पेट्रोल या हाइब्रिड गाड़ी लेने की, और अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रनिंग वाली है, अगर आप डीजल गाड़ी की तरफ भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो उनसे बेटर ऑप्शन ये सारी गाड़ियाँ निकल के आती हैं, आप इनका वेट कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है इनका लॉन्च। तो अगर आप भी डिसाइड कर रहे हैं कोई गाड़ी जो आपको अच्छी वैल्यू दे, अच्छी रेंज दे, तो आप इन गाड़ी की तरफ डेफिनेटली स्विच कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ, और बने रहे ऐसे ही हमारे चैनल के साथ और इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्रीदेश Blocks.